आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। कैसे सीड की कीमतों में हमने कुछ मजबूती बनती देखी थी। कैसे सीड की कीमतें अक्टूबर नवंबर के दौरान तेजी की ओर रही थी और कीमतें ऊपर में 6650 तक भी जाती नजर आई थी। कैसे की कीमतों में तेजी को देखते हुए जानकार को भी ऐसा लग रहा था कि कैसे 6900 तक जाता नजर आ सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। पिछले लगभग एक महीने में काफी बदलाव देखने को मिले हैं, जिसका असर कैसे सीड के बाजार पर भी पड़ता दिखाई दिया है। कैसे की डिमांड की बात करें तो कैसे की डिमांड में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले साल चीन ने भारतीय कैस्टर का जमकर स्टॉक करा था, जिससे कीमतों में उछाल भी आया था, लेकिन कोरोना के बाद से भारत और चीन के व्यापारिक रिश्ते कुछ खास नहीं रहे हैं और चीन से कैसे की डिमांड कम होने से कीमतों पर प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। कैसे की नई फसल भी आने वाली है। पहले बुआई का रकबा काफी कम बताया जा रहा था, लेकिन दाम में कुछ सुधार से रकबा भी थोड़ा बढ़ा है, लेकिन पहले के मुकाबले कम ही रहने का अनुमान है। वहीं बाजार के जानकार केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में दस्तक दे चुका है और इसके मामले भी अलग अलग राज्यों में बढ़ते दिखाई दिए हैं। चीन ने जो क्वारंटाइन की पॉलिसी अपनाई है, उससे बाजार पर असर पड़ा है। चीन की तरफ से कैसे की डिमांड में कमी आई है। दूसरा, भारत में कैसे की नई फसल आने वाली है। आवकों के प्रेशर और डिमांड में कमी के चलते गिरावट का रुख रह सकता है। अजय केडिया के मुताबिक अगर NCDEX पर कैसे की वीकली क्लोजिंग 6400 के नीचे होती है तो कैसे का वायदा बाजार लगभग 300 से 400 पॉइंट की और गिरावट दिखा सकता है और नीचे में बाजार 5800 से लेकर 6000 तक के सीमित दायरे में रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप, बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।